गुड मॉर्निंग गायज वेलकम टू माई न्यू एपिसोड सचिन तलेकर ब्लॉग सो गाय जैसे कि आपने थमनेल में देखा होगा कि हम जिस कंट्री की बात कर रहे हैं उसका नाम है सेंट किट्स एंड एनविस ठीक है गाइज इसे ऑफिशियली कहते हैं सेंट क्रिस्टोफर एंड एनविस ठीक है गायज़ और ये लोकेटेड है वेस्ट इंडीज में ओके और इसका कैपिटल है बेसटेरी ठीक है इसका कैपिटल है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है गाइज इंग्लिश यहाँ पे इंग्लिश वाइडली स्पोकन है तो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी इंग्लिश इसकी लोकल लैंग्वेज है सेंट किट्स कैरल और इंग्लिश तो उफ, ए, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है गाइस ठीक है सेकेंड लैंग्वेज है सेंट किट्स एंड कैरल ठीक है गए इसकी इथनिक ग्रुप से नाइन्टी टू पॉइंट फाइव परसेंट अफ्रीकन है गायस टू परसेंट मल्टी रेक्सियल है थ्री uh, परसेंट यूरोपियन है और वन पॉइंट फाइव परसेंट इंडियन है गायस तो यहाँ पे भी आपको इंडियंस काफ़ी संख्या में मिले गए वन पॉइंट फाइव परसेंट इंडियन है गए ठीक है अभी हम इसके रिलीजन के ऊपर बात करते गएस तो नाइन्टी फोर परसेंट क्रिश्चनिटी है यह गाइज यहाँ पर एट्टी वन परसेंट प्रोस्टेटिज्म है थर्टीन परसेंट क्रिश्चन है और वन पॉइंट फाइव परसेंट हिंदू है हिंदूज़म ठीक है गायज अभी हम इसके ड्राइविंग साइड पे आते हैं तो इसकी ड्राइविंग साइड लेफ्ट साइड चलाते गए यहाँ पे लेफ्ट साइड ड्राइविंग साइड है ठीक है गायस हम इसके कॉलिंग कोड पे आते हैं तो प्लस वन एट सिक्स नाइन इसका कॉलिंग कोड ठीक है आपको कॉल करना है तो आपको पहले प्लस वन देन उसका आई एच डी कोड लगता है एट सिक्स नाइन ठीक है गायस इसकी करेंसी पे आते हैं हम अभी तो यहाँ पे करेंसी चलती है गैस ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर तो इसका शॉर्ट फॉर्म है एक्सी डी अभी आप शॉर्ट फॉर्म में देखने जाओगे तो एक्सीडी आप टाइप करोगे तो वैसे ही आएगा लेकिन इसका फुल फुल करेंसी का नेम है ईस्टर्न कैरेबियन डॉलर ठीक है अभी हम इसकी देखते हैं क्या वन डॉलर वहाँ का इंडियन करेंसी में कितना होता है ये हम देखते हैं ठीक है थीके? तो इसका गाइस थर्टी पॉइंट थर्टी फाइव होता है वहाँ का एक डॉलर इंडिया में आप बेचते हो ट्रांसफ़र तो थर्टी पॉइंट पॉइंट थर्टी फाइव उसका एक वैल्यू है वहाँ के एक डॉलर का इंडिया में ठीक है तो अच्छी खासी करेंसी का वैल्यू है गाइस ठीक है अब भी हम इसके पॉपुलेशन पे आते हैं तो गाइस यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी संख्या नहीं है वहाँ पे तो इसकी पॉपुलेशन है फिफ्टी फोर थाउजेंड ओनली ठीक है सिर्फ फिफ्टी फोर थाउजेंड की पॉपुलेशन है गैस उसमें वन पॉइंट फाइव परसेंट इंडियंस है हिंदुज़म वहाँ पर है रिलीजन ठीक है गैस हम इसका भी मिनिमम वेजेस पे आते हैं तो इसकी मिनिमम वेजेस है एट सिक्सटी uh, कैरिपिन डॉलर ठीक है और मैक्सिमम वेजेस है फिफ्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड मैगजिमम है ठीक है इसलिए काफ़ी बड़े पोस्ट पर अगर जो कोई है तो उसको फिफ्टीन थाउज़ेंड तक मिल जाएगा ठीक है लेकिन एवरेज हम अगर इसकी वेजेस की पकड़ते हैं तो चार से पाँच डॉलर, डॉर फोर टू फाइव थाउजेंड डॉलर ईस्टर्न करबियन डॉलर आपको मिल जाएगी ईजिली ठीक है गैस? अभी हम इसका वो उसको एट सिक्सटी का हम ये करते हैं इंडियन करेंसी में कितना होता है मिनिमम वेजेस तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड आपको पड़ेगे एट सिक्सटी के और वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड का फोर लेख फिफ्टी सिक्स के आसपास पड़ेगा इंडियन गज में ठीक है गैस अभी हम इसके फ्लाइट रूट पे आते हैं तो इसकी गैस फ्लाइट रूट है एक तो आपको काफ़ी ट्रांजिट करके जाना पड़ेगा जैसे कि न्यूयॉर्क से हो गया यू की कोई भी कंट्री से आपको ट्रांज़िट लेके इस कंट्री में आपको सेंट किट्स से एंड निवेस में आना होगा ठीक है और वो तो पॉसिबल नहीं विदाउट ट्रांज़िट वीज़ा विदा। ठीक है गैस तो वहाँ पर ट्रांज़िट वीज़ा लगेगा ही अगर यू में आप ट्रांज़िट में रहते हो तो वापस हेडेक हो जाएगा ट्रांज़िट लगाने का और दूसरी कंट्री है यूके से हैथ्रोट इंटर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो यूरोप से जाने का उसमें भी ट्रांजिट वीज़ा आपको लगेगा उसमें भी दिक्कत हो जाएगी तो मैंने आपके लिए एक बेस्ट रूट निकाला हुआ है जहाँ पे पूरे ट्रिप में आपको ट्रांजिट वीज़ा लगेगा ही नहीं है गए ठीक है तो मैं आपको वो तर, वो रूट का मैं आपको बता देता हूँ ठीक है तो पहला है गए स्केल एम एयरलाइंस की है मुंबई टू तो एम्स्टरडेम ठीक है आप मुंबई टू तो एम्स्टरडम चले जाइए ठीक है और बाद में अब भले वो मुंबई टू एमस्टर्डम आप कोई भी एयरलाइंस पकड़ लीजिए इत्यादरवेज जाती है केल एम एयरलाइंस डायरेक्ट फ्लाइट शायद होती होगी मुंबई टू एमस्टरडैम लेकिन वो एक्सपेंसिव होती है आप देख लीजिए ठीक है उसके बाद ये तो मैं आपको बता रहा हूँ मुंबई टू एम्स्टरडैम आपको पूछना है क्योंकि एमस्टरडैम में गए इंडियन को ग्यारह से बारह घंटा इंडियन सिटीजन विदाउट एनी वीज़ा आप ट्रांज़िट में वहाँ पर रुक सकते हो ग्यारह से बारह घंटा और ये मैंने पर्सनली एम्बेसी में कॉल किया है ठीक है तो मैंने आज ये अगर मैं वीडियो पोस्ट कर रहा कराऊँ तो आज तक वैलिड है क्योंकि मैंने कल कॉल किया था एमबीसी में ठीक है या और ये रूल्स एंड रेगुलेशन कभी भी चेंज होते रहे थे इन फ्यूचर में तो आप प्लीज़ क्रॉस वेरीफ़ाई कर लीजिए इस चीज़ के बारे में लेकिन अभी तक गए एम्स्टरडेम में ट्रांजिट वीज़ा इंडियंस को नहीं लगता है तो आप बेफिक्र होकर एम्स्टरडैम में रुक सकते हो ट्रांजिट में मुंबई टू तो एमस्टरडेम आप जो विदाउट वीज़ा विदाउट एनी ट्रांजिट वीज़ा आपको कोई ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा ठीक है अभी आगेगा कहाँ पर जाओगे आप तो एम्स्टरडैम से एस सेंट मार्टिन कंट्री का नाम है और उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है प्रिंसेस जुलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठीक है तो ये एयरपोर्ट का नाम है वहाँ पे भी ट्रांसिट वीज़ा नहीं लगेगा बारह तेरह घंटे तक इंडियंस को तो आप एमस्टरडेम से प्रिंसेस जुलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पे आप जा सकते हो विदाउट ट्रांसिट आपको वापस ट्रांसिट वीज़ा नहीं लगेगा वो कंट्री का नाम है सेंट मार्टिन ठीक है गैस वहाँ पर आप रुकोगे वहाँ से आप आगे की फ्लाइट पकड़ोगे सेंट किटसन से निविस के लिए उसका एयरपोर्ट कोड है एस के पी सेंट किट्स से एंड निविस्का एयरपोर्ट कोड है एस के भी अगर आप गोई भी, भी हो और कोई भी ट्रैवल के इसमें आप डालना है कोड तो आप ये कोड डाल के आप फ्लाइट देख सकते हो और ठीक है इस तो मैंने आपको पूरा रूट बता दिया यहाँ पे मैं आपको वापस आप रिपीट करता हूँ मुंबई टू एम्स्टरडैम विथ एनी एयरलाइंस आप वहाँ पे पहुँच जाइए एमस्टरडेम में ठीक है विथ सिंगापुर एयरलाइंस केल एम एयरलाइंस इत्यादरबैस ये एम्स्टरडेम तक आपको छोड़ देंगे एम्स्टरडेम में ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा तो आप रुक सकते हो बारह घंटे तक फिर एम्स्टर्डम से आपकी फ़्लाइट होगी एस एक्स एम के लिए सेंट मार्टिन के लिए ठीक है उसका उसका एयरपोर्ट नेम है प्रिंसेस जुलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठीक है गए तो वहाँ पे आप आ गए विदाउट ट्रांजिट वीज़ा विदाउट वीज़ा वहाँ तक आ गए फिर वहाँ से एस के बी के लिए आपकी फ़्लाइट होगी सेंट किट्स एंड सर्निविस के लिए वो भी नॉन स्टॉप फ्लाइट है तो वो भी आपको मिल जाएगी वहाँ से तो पूरा ट्रिप आपको विदाउट ट्रांजिट वीज़ा विदाउट वीज़ा आप वहाँ पर पहुँच गए ठीक है करेंसी भी काफ़ी अच्छी है वहाँ पर कैरिबियन डॉलर्स है कन्वर्जन रेट थर्टी पॉइंट थर्टी फाइव है ठीक है गैस तो यही है मैंने आपको पूरा बता दिया रूट वगैरह करेंसी पॉपुलेशन सब कुछ आपको बता दिया ठीक है गैस अगर आप जाते हो कैपिटल अच्छा है आपके पास तो वहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हो फूड कोर्ट डाल सकते हो रेस्टोरेंट डाल सकते हो इंडियन से काफ़ी आपको हेल्प आउट हो जाएगा ठीक है आप अगर आपको घूमना ही है तो यहाँ एक कंट्री चूज कर लीजिए घूम लीजिए अगर कुछ वर्कआउट होता है तो आप कर सकते हो जॉब या बिजनेस या रेस्टोरेंट फूड कोर्ट कुछ भी ठीक है गाइस और कुछ होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा ठीक है गाइस इस कंट्री के बारे में ओके गाइस अभी इतना ही मिलते है मेरे नेक्स्ट एपिसोड में सचिन तलेगा ब्लॉग हैवे गुड वन बाय टेक केयर बाय